विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पहाड़ी से नीचे गिरे वृद्ध श्रद्धालुओं को बचाने वाले होमगार्ड को स्थानीय पुजारी वर्ग ने सम्मानित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक वृद्ध श्रद्धालु जिसका नाम जगतार सिंह निवासी अमृतसर पंजाब से माता के दर्शन के लिए आया था और जब दर्शन कर वापस लौट रहा था तो बढ़ो की तरफ एक पहाड़ी के नीचे गिर गया। किसी राहगीर ने इसकी जानकारी होमगार्ड को दी जिसने तुरंत होमगार्डों ने रेस्क्यू किया और वृद्ध को नीचे से निकाला। हालांकि शाम का समय था और वे वृद्ध को निकालने में होमगार्ड के जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। होमगार्ड के इंचार्ज परमजीत ने कहा कि उन्हें सूचना मिली कि एक वृद्ध पहाड़ी के नीचे गिर गया है। वे रेस्क्यू टीम के साथ वहां पहुंचे और वृद्ध को ढांक से निकाला। उन्होंने बताया कि वृद्ध अमृतसर का रहने वाला है और आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में काम करता था। हालांकि इस वृद्ध ने भांग का नशा किया हुआ था और नशे में धुत होने के कारण उसे पता नहीं चला कि वे पहाड़ी से नीचे कैसे गिर गया। उन्होंने बताया कि उसके बाद उसका प्राथमिक उपचार हॉस्पिटल में करवाकर उसे आनंदपुर साहिब पहुंचाया गया। होमगार्ड के जवानों के हौसले को देखते हुए पुजारी वर्ग ने उसे माता की चुनरी भेंट करके सम्मानित किया और प्रशासन से मांग की कि इस तरह के साहसिक कार्य करने वाले होमगार्ड के जवानों को सम्मानित किया जाना चाहिए। आदमी पंजाब से आया हुआ श्रद्धालु जो एक ढाक से नशा खाकर गिर गया, उसे हमारी टीम ने, डिजास्टर टीम ने, नैना देवी सुरक्षा गार्ड और चौकी इंचार्ज और स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया और प्राथमिक स्वास्थ्य देने के उपरांत उसे आनंदपुर साहब भेजा गया। पहाड़ी से गिरे हुए श्रद्धालुओं को उठा करके हमारे जवानों ने, होमगार्ड के जवानों ने मिलकर के उसको बचाया और उसका उपचार किया और उसको घर भेजने की व्यवस्था की। इसीलिए ये काम बहुत सराहनीय है, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही सेवा यहाँ पे करते रहे।